Hello everyone, so let's see our next example, which is example number 46. So now ye kya bol raha hai ke the enthalpies of two reaction are delta H and delta H2 both positive, with delta H2 greater than delta H1. So matlab delta H2 ki value greater bol raha hai delta H1, or if the temperature of the reacting system is increased from T1 to T2. अब टेम्परेचर भी बढ़ा दिया इसका, बोल रहा है कि T1 से T2 कर दिया, तो बोल रहा है कि प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज करेक्ट. तो नाउ अब इसमें हमको पता है कि जो जो डिफरेंट केस का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, ln K2 by K1 equals to delta H naught upon RT and something and 1 by T1 minus 1 by T2. तो इसमें we can see that जो जो हमारा case का जो relation होगा वो delta H की value पे depend करेगा at, और अगर मैं दोनों को दोनों reactions को T1 से T2 में लेके जा रहा हूँ तो temperature तो constant equal amount से बढ़ रहा है, तो जो भी वैल्यू और डेल्टा एच की जिसकी भी ग्रेटर होगी दैट रेशियो विल बी हायर. तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि के वन के टू के वन के टू डैश बाई के टू विल बी ग्रेटर दैन के वन बाई के डैश, जैसे कि सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है. लेट्स सी के यहाँ सॉल्यूशन क्या बोल रहा है कि एज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टिंग सिस्टम इज इंक्रीज द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज ऑल्सो इंक्रीज. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इंक्रीज होगा जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन. सो फॉर टू रिएक्शंस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय इक्वल अमाउंट्स, तो दो रिएक्शंस जिसकी इक्वल अमाउंट का टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उनका क्या रहेगा, जो के टू डैश बाई के टू विल बी ग्रेटर देन, ये रेशियो ज़्यादा होगा के वन से. राइट, थैंक यू.